आधार कार्ड हर भारतीय के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों में से एक है, जिसकी जरूरत आपको तकरीबन हर काम में लगती ही है। आधार कार्ड भारतीयों की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, इसके बगैर शायद ही आप किसी सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। आजकल तो प्राइवेट कामों में भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और ये ना होने पर आपको काफी समस्या भी होती है। हालांकि कई बार आधार कार्ड की वजह से लोगों को काफी शर्मिंदगी होती है। दरअसल आधार कार्ड में कई बार जो फोटो लगी होती है वो उतनी बेहतर नहीं होती है और इस वजह से लोगों को काफी शर्मिंदगी होती है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे आप इस फोटो को घर बैठे ही अपडेट कर सकते हैं और इसकी जगह पर आप अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ लगा सकते हैं। आज हम आपको ऑनलाइन आधार कार्ड की फोटो अपडेट करने का तरीका बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं या इस लिंक uidai.gov.in पर क्लिक करें। आप अपडेट आधार विकल्प पर क्लिक करें। आधार नामांकन फॉर्म डाउनलोड करें और आवश्यक विवरण भरें। निकटतम आधार नामांकन केंद्र में फॉर्म जमा करें। उपस्थित आधार कर्मचारी बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से सभी विवरणों की पुष्टि करेगा। कर्मचारी नई तस्वीर पर क्लिक करेगा जो आपके आधार कार्ड में अपडेट की जाएगी। ₹100 प्लस GST का शुल्क का भुगतान करना होगा। आधार कर्मचारी आपको एक एक्नॉलेजमेंट पर्ची और एक अपडेट अनुरोध संख्या URN देगा। फिर 90 दिनों के भीतर आपकी फोटो अपडेट हो जाएगी। एक बार जब आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं उसके बाद आपको इस आधार कार्ड को ट्रैक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आधार कार्ड कब तक तैयार हो जाएगा। ट्रैकिंग का प्रोसेस ऑनलाइन होता है और इसमें आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बता दें कि इस तरीके से आपको आवेदन के बारे में पता चलता रहता है। अगर आपने भी अपने आधार कार्ड में फोटो अपडेट करवाने के लिए आवेदन किया है तो इस प्रोसेस से आप इसे ट्रैक करते रह सकते हैं। इसके लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो URN नंबर दिया जाता है उससे आधार कार्ड को ट्रैक किया जा सकता है। फोटो अपडेट करने का पूरा प्रोसेस तभी कंप्लीट होता है जब आप नजदीकी आधार केंद्र पर जाते हैं।